जय भीम नमोबुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी इस वक्त मौजूद हूँ चुल्हाई चक में, जहाँ मेरे साथ हैं एक चौधरी जी, जिनका नाम मैं जान लेता हूँ। नाम बताइएगा। चौधरी चुन्नू चौधरी। इनका नाम चुन्नू चौधरी जी हुआ है। तो चुन्नू चौधरी जी, हम आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि नीतीश कुमार जी अनाउंस किए हैं कि ताड़ी बंद होना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब अब नीतीश कुमार जी तो ये भी बंद कर देंगे ताड़ी, तो आप लोगों का खेवा खर्ची कैसे चलेगा? ताड़ी बंद नहीं होना चाहिए। ताड़ी बंद हो जाए तो हम लोग कैसे जिएंगे? ताड़ी नीरा तो होवे करता है, लेकिन सही मीठा सुबह में रहता है और धूपा लगेगा तो कुछ टाइट हो जाता है, लेकिन नीरे रहता है। नीरा कैसे बनता है आप हमको बताइएगा? नीरा बनता है वो तो हम नहीं जानते हैं कैसे, हम लोग ताड़ी उतारते हैं बस इतने जानते हैं। अच्छा, एक दिन में कितना तार चढ़ लेते हैं आप? एक दिन में कितना चढ़ेंगे? 10 तार चढ़ेंगे। मतलब सुबह से शाम तक में आप 10 तार चढ़ते हैं? हाँ, सुबह से शाम तक ले 10 तार चढ़ सकते हैं। अच्छा, आपका आमदनी कितना हो जाता है? मतलब रोज कितना कमा लेते हैं जिससे आपका परिवार का भरण पोषण हो जाता है? भरण पोषण होता है, वही मजदूरी आता है, 300-400 रुपया होता है भर दिन में। आपका होगा इससे ज़्यादा थोड़ी होगा, मजदूरी आता है, कैसे चल रहा है भोजन पत्र? हाँ, तो चुन्नू चौधरी जी बोल रहे हैं कि दिन भर में हमें लगभग 10 तार चढ़ते हैं, और 10 तार चढ़ते हैं तब जा कर के मेरा परिवार के लिए 300-400 रुपया आता है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, सभी जनता को मैं ये बात बता दूँ कि नीरा कैसे बनता है। नीरा बनने का प्रक्रिया जो है, लमनी को रोज धोया जाता है और लमनी के अंदर गाद नहीं होना चाहिए तो मीठा रहता है। लमनी रोज धोया जाएगा, साफ हो जाएगा तो नीरा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा नीरा। तो नीरा कब तक उतारा जाता है? इसे जैसे आप ताड़ी उतारते हैं, तो ताड़ी तो आप सुबह से लेकर शाम तक उतारते हैं, शाम तक ठीक ना, लेकिन नीरा का उतारने का प्रक्रिया क्या है, कब से कब तक उतारा जाता है? नीरा का प्रक्रिया है कि सवेरे उतारना चाहिए, सुबह कितना बजे तक? 7-8 बजे तक ले, 8 बजे तक ले रहेगा तो नीरा रहेगा। इनका कहना है कि 8 बजे तक अगर उतर जाता है तो नीरा रहेगा, मतलब कहने का मतलब है कि सूर्य उगने से पहले, यानी सूर्य उगने से पहले जब कोई उतरता है ताड़ी को तो उसको नीरा कहते हैं, और लमनी को धो करके उसको अंदर चूना लगाया जाता है। हाँ, अंदर चूना लगाया जाता है जो कि गाद ना बैठे उसमें। तो बिहार सरकार तो बोली थी कि नीरा आप बनाइए, नीरा हम खरीदेंगे, तो कहा वो तो हुआ नहीं, नीरा कहाँ खरीदे हैं? तो नीतीश कुमार जी यानी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ नहीं बोल रहे हैं, नीरा नहीं खरीदे हैं। ताड़ी तो हम लोग उतारवे किए थे, बना था, लाइसेंस भी, आदमी भी आए थे चेक करे। कब 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 आए थे चेक करने के लिए? उसी समय जो आदेश दिए थे वो लोग। अच्छा, उस समय दारू बंदी किए थे, तारी बंदी भी किए थे उसी समय? हाँ, उस समय आते थे चेक कर, तो कहा नीरा नहीं ले गए वो लोग, नीरा सवेरे हम लोग उतारते थे लेकिन ले नहीं गए, कोई कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो चुन्नू चौधरी जी का कहना है कि नीरा हम उतारते थे लेकिन सरकार सिर्फ अनाउंस किया था कि हम आपका नीरा खरीदेंगे, लेकिन सरकार इस काम में भी विफल रही और अचूक रही, ये काम नहीं कर पाया। अब एक दिन में 10 तार चढ़ते हैं, नीरा चुवाने की बात कर रहे हैं सरकार इस समय कि नीरा हम खरीदेंगे, और ये बोलते हैं कि नीरा उतारने के लिए हमको कम से कम 8 बजे तक समय चाहिए, 8 बजे तक इतना नीरा उतर नहीं पाएगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ, 8 बजे से उतर नहीं पाएगा, 8 बजे के पहले तक, तो इससे तो आपके पेट पर लात मरा जाएगा। पेट पर लात मरा जाएगा हम लोग को। क्या होगा फिर? क्या होगा? भूखे मरेगा। कोई संदेश देना चाहते हैं उनको? कुछ बोलिए थोड़ा सा, मुख्यमंत्री हैं। बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ताड़ी बंद, नहीं होना चाहिए, इस पर बंद हो जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। चलिए, यहाँ पर चुन्नू चौधरी जी बोल रहे हैं कि अगर ये बंद हो जाता है ताड़ी तो हम मर जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग बात सुन लिए कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ यहाँ पर कोई भी चौधरी तैयार नहीं है नीरा उतारने के लिए, क्योंकि ये दिन भर में तार चढ़ते हैं तो 500-600 रुपया कमाते हैं और नीरा का समय है 7-8 बजे तक, इसलिए ये तो हो नहीं पाएगा, और इनका बीवी बाल बच्चे इनका परिवार सभी रोड पर आ जाएंगे। और नीतीश कुमार जी से मैं भी थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जिस तरीका से आपने शुरू किया है समाज सुधारक अभियान,
तो हम भी कहना चाहेंगे ये समाज सुधारक अभियान है, आप हर समाज को मुंगाने का काम कर रहे हैं, दलित समाज को मुंगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक माझी समाज के सभी व्यक्तियों को जेल भेजवाने का काम किए, फिर उसके बाद अब चौधरी जी को जितने भी पासी है उन लोगों के पेट पर आप लात मारना चाहते हैं और तारी बंद करके इन लोगों को भी सभी लोगों को जेल पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आपका ये समाज सुधारक अभियान आपका सफल नहीं होने वाला है, ये बहुत गंदी राजनीति हो रही है जिससे गरीब लोग दलित लोग बहुत आपसे परेशान हैं। इतना ही कहकर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट में प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मैं राजकुमार मांझी, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।